बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। ये राजनीति है और राजनीति में सब कुछ संभव है ऐसा लोग कहते थे, लेकिन अब एक बार फिर से आपको देखने को मिलेगा कि अरुण कुमार और नीतीश कुमार साथ साथ दिखेंगे। जिस अरुण कुमार के चुनावी मैदान में उतर जाने से जहानाबाद लोकसभा चुनाव जेडीयू हार गई थी, उसी अरुण कुमार का अब फिर से घर वापसी हो रहा है, मतलब जेडीयू में अरुण कुमार शामिल होने वाले हैं। लगभग बात तय हो चुका है, कई दौर के मीटिंग में यह जो है स्पष्ट हो गया है कि अरुण कुमार अब फिर से जेडीयू नेता बन जाएंगे। नीतीश कुमार के कई करीबियों के आश्वासन के बाद अरुण कुमार जेडीयू में वापसी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आखिरी मौके पर चाहते हैं कि अरुण कुमार को नीतीश कुमार अपने जुबान से आश्वासन दे दे, लेकिन अभी तक आश्वासन नहीं मिला है और उसी का बस इंतजार है। अभी हम जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और हम यह आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि जहानाबाद के पूर्व सांसद और जेडीयू को हराने वाले अरुण कुमार एक बार फिर से जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं। इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है। जेडीयू के सूत्रों की माने तो अरुण कुमार लगभग यह प्लान बना चुके हैं, तय कर चुके हैं कि अब उनकी वापसी जेडीयू में होगी, लेकिन आखिरी मौके पर चाहते हैं कि जेडीयू के सर्वोसर्वा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आश्वासन अरुण कुमार को मिले। जैसे ही आश्वासन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, लेकिन अरुण कुमार की घर वापसी की तैयारी जो है लगभग पूरी हो गई है और जेडीयू नेता अभी जो है मतलब कह सकते हैं कि स्वागत करने के लिए तैयार हैं। अब यही कहते हैं कि राजनीति में सब कुछ संभव है और राजनीति में कोई अस्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। अब सोचिए कि जिस अरुण कुमार के वजह से चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जहानाबाद लोकसभा चुनाव हार गए, उसी अरुण कुमार की जेडीयू में वापसी हो रही है और जेडीयू नेता बनेंगे। 2025 में अरुण कुमार कहां से चुनाव लड़ेंगे, अरुण कुमार के बेटे कहां से चुनाव लड़ेंगे, इस बात का आश्वासन अरुण कुमार चाहते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी आश्वासन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा नहीं दिया गया है। हालांकि उनके करीबी कई मंत्री और नेताओं के द्वारा अरुण कुमार को कई बार फोन किया जा चुका है और अरुण कुमार भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली में अरुण कुमार जो है कई दौर का बैठक कर चुके हैं, जैसा कि गुप्त सूत्रों से हम लोगों को जानकारी मिली है। इससे अभी जो है मतलब इतना ही स्पष्ट है कि अरुण कुमार की घर वापसी जेडीयू में हो रही है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और यह खबर बहुत ही जल्द आपको सुनने के लिए मिलेगा कि अरुण कुमार अब जेडीयू नेता हो गए।